बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में जाने के बाद जो बचे हुए दो विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव हैं, वो क्या फैसला किया है उन्होंने और किस तरह से वो कहाँ जाएंगे, ये जानने के लिए हम प्रयास करते हैं जो मांडर के विधायक हैं बंधु तिर्की जी। बंधु जी, अब क्या कुछ फैसला आप लोगों ने? आज का बैठक दुमका प्रमंडल से राम दिवस जायसवाल के अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में कार्यकर्ता पदाधिकारियों के पास जो हमारे पास पदाधिकारी जो पदाधिकारी हैं कार्यकारिणी में भी है केंद्रीय कमेटी के कोई जिला कमेटी में है तो जो हम लोग साथ में जो हम लोग के साथ हैं जो बाबूलाल मरांडी के साथ में नहीं जा रहे हैं वो सारे लोग का बैठक यहाँ पर था। हम लोगों ने निर्णय लिया, बातचीत हुई तो सभी लोगों ने एक सहमति व्यक्त किया कि हम सारे लोग राष्ट्रीय कांग्रेस में हम विलय करेंगे और जब उनकी सहमति हो गया तो हम दोनों विधायक भी इस पर अपना सहमति दे दिए। अब इसकी जानकारी हम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेता को हम लोग दे देंगे और बाकी उनको जो करना है और बाकी जो ज्वाइनिंग करने वगैरह का जो प्रक्रिया होगा मतलब हम बड़े सभा हम यहाँ करेंगे और राजधानी में करेंगे और विशाल सभा में कांग्रेस के आला कमानों से भी आग्रह करेंगे, आला कमान से भी कोई भी आए और सभा में शामिल करें और राज्य की जनता को एक नई तरीके से दिशा दे, ऊर्जा दे, ये हमारा आग्रह। बंधु जी, तो मुकाबले में तो अब बाबूलाल मरांडी होंगे क्योंकि वो बीजेपी में जा रहे हैं और संभवतः ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो विधायक दल के नेता होंगे, तो आमना सामना जब होगा तो ये एक दल के लोग कैसे आमना सामना कर पाएंगे आप लोग? देखिए, राजनीतिक में मुद्दों पर बात होती है, नीतियाँ पर बात होती है, कोई किसी का जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं होता, सदन में बात होती है। हम अपने तरीके से अपने अनुभव से, बाबूलाल जी को भी अपना अनुभव है, हम अपने बातों से हम आपस में हम भी करेंगे, बातचीत करेंगे। मनभेद देखिए, मनभेद आपका मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता है और ये सारी चीज़ें बहुत ये ज़्यादा नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी भी कल जा रहे हैं, उनको भी हम बहुत सारा शुभकामना देते हैं और आग्रह भी करेंगे कि हम लोग को भी शुभकामना दे ताकि मिल करके हम लोग सारे लोग। लेकिन आप लोग दोनों का तो भला हो जाएगा, तीनों का भला हो जाएगा, लेकिन राज्य की जनता ने जो मैंडेट दिया था आप लोगों को बीजेपी के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में, वो मैंडेट आप लोगों को नहीं लग रहा है कि उस मैंडेट का आप लोग अपमान कर रहे हैं? तो देखिए, बता रहे हम लोग बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और इसके बारे में और सारी जानकारी आपको लेना है तो हमको लगता है कि भाजपा में जाने वालों को पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ये भाजपा में जाने वाले लोगों से क्या मैंडेट जो दिया था राज्य की जनता ने उसकी मैं बात कर रहा हूँ? अभी मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों पर भाजपा में जो जा रहे हैं मैंडेट जो लोग दिया है तो जो लोग जा रहे हैं उनसे पूछना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको चूँकि मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी हैं भाजपा में जा रहे हैं, उसको मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए उनके खिलाफ में टिप्पणी वगैरह कराना ये माना जाए कि फिक्स गेम है आप लोग तीनों के बीच में, फिक्स समझ लीजिए, इसमें जो समझेगा समझेगा, जो करेगा पूरा, उसमें क्या है, इसमें जाएगा आप फिक्स गेम हो कि क्या गेम है, अनफिक्स हो, ये सोचने हैं। लेकिन हम तो सभी लोगों को, मेरे लिए विशेषकर बाबूलाल मरांडी जी को ये हैं सम्मानित हैं पूरा, उनको हम शुभकामना देते हैं। राज्य में झारखंड विकास मोर्चा के तीनों विधायक अपनी अपनी ठौर ठिकाने जरूर तलाश लेंगे, लेकिन राज्य की जनता जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ में इन विधायकों को जिताकर विधानसभा भेजा था, उन जनता को जरूर निराशा हाथ लगी होगी जब ये उसी पार्टी में जाएंगे जिनके खिलाफ वो चुनाव के लड़कर आए थे। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। 17 फरवरी 2020 को रांची स्थित जगन्नाथ मैदान पर झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में झाविमो का भाजपा में विलय कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में उपस्थित होकर विलय कार्यक्रम को सफल बनाए। जोहार।